हेलो गाय, वर्षा की स्मार्ट रसोई से। जैसा कि मैंने पिछली बार फलूदे की आइसक्रीम का मुंह से बताया था, आज मैंने आइसक्रीम बनाई थी वो मैं फिर से दिखा रही हूँ। और मैं टूटी फूटी आइसक्रीम बनाने जा रही हूँ। आइए बनाती। मैंने कढ़ाई रखी है, इसमें 1 चम्मच शुद्ध घी डालूंगी क्योंकि मैं इसकी रबड़ी बनानी है। मैंने 1 पाउच ये लिया है एवरेजोन का, इससे मैं खोआ बनाने जा रही हूँ। इसमें थोड़ा सा दूध डालना, झटपट बन जाता है ये खोआ। इस तरह हमारा खोआ तैयार हो गया। इसलिए बनाया ताकि ये दूध में डालने वाला लगे। अगर आपके पास खोआ नहीं हो, कोई मिठाई पड़ी हो, मिठाई भी डाल सकते हैं। अब ये मैंने 1 किलो दूध में 1 पाउच मिल्क पाउडर लिया था, ये 1 किलो दूध है। अब मैं इसको 1/2 किलो दूध कर दूंगी। अब ये उबलता रहेगा, शक्कर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। 50 ग्राम शक्कर डाल दो। अब ये उबलता रहेगा धीमी आंच पे, आधा हो, जब तक ये आधा ना हो जाए तब तक इसको उबालते रहेंगे, धीमी आंच पे रख देंगे। अब ये दूध 3 पाव हो गया 1 किलो में से। इस तरह से ये गाढ़ा हो गया। अब ये जब हम गैस बंद करके रखेंगे तो ये दूध ठंडा होता जाएगा, बैठता जाएगा, तो ये आधा किलो जैसे हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। इसमें हमें कोई एसेंस नहीं डालना है, कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ इलायची इसलिए कि उसका फ्लेवर अच्छा आएगा। अब जो मैंने वो खोआ बनाया था वो इस तरह दानेदार बन गया। आप चाहो तो 2 पाउच भी कर सकते हो, मैंने 1 पाउच का बनाया, आप 2 का भी बना सकते हो। और घर में कोई मिठाई रखी हुई हो वो भी डाल सकते हैं। ये अब थोड़े से गाढ़ा हो जाएगा, एकदम से बढ़िया आइसक्रीम। अब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी, इसको हम रखेंगे जमाने के लिए। मैंने आइसक्रीम बनाई थी, ये मैंने चॉकलेट की आइसक्रीम बनाई थी। मैं आज आपको कोन बनाना सिखा रही हूँ चॉकलेट से। बाजार में इस तरह का चॉकलेट आता है, बड़ा आता है इतना। तवा गरम कर दिया, गैस जला के तवा गरम करना है। और मैंने एक कटोरे में इसको काट के डाल दिया, रख दिया। अब ये 2 मिनट में मेल्ट हो जाएगा। अक्सर ये डिब्बों में और ये पन्नी आती है इस तरह की, इसको मैंने ऐसे तिकोना काटा है, तो डिजाइन की तरफ मैं इसको रखूंगी ताकि इसमें डिजाइन आए। हमारा ये चॉकलेट 1 मिनट में मेल्ट हो गया। इस तरह से हो गया, अच्छे से हो गया। हम इसके ऊपर 2 बार पर लगाएंगे। आप ब्रश के साथ भी इसको लगा सकती हैं। अब इसकी ये पन्नी इस तरह से उतार दी और ये इस तरह से डिजाइन बन गई। ये मैंने कटोरा बनाया, इसमें आइसक्रीम डालेंगे चॉकलेट का, और ये प्लेट नीचे से। ये
इसमें जाएगा शरबत। इसमें जाएगा पहले गुलाब जामुन शरबत, फालूदा, इसमें जाएगी आइसक्रीम, इसमें मैंने आम, एप्पल, अंगूर ये सब डाले, छोटे छोटे चॉकलेट डाले। इसमें फालूदा जाएगा, इसमें